विवेक ओबेरॉय पहुंचे अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर और वहां भी सलमान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। विवेक ने फिर से कर दिया सलमान को इग्नोर। देखिए कैसे। सलमान और कटरीना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनकी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए? आप क्या सर आप नो कमेंट्स, लेट्स स्टिक टू जयंता भाई। बॉलीवुड में चल रही लव स्टोरी के बारे में जब सवाल उठा तो विवेक ओबेरॉय ने कर दिया मीडिया के इस सवाल को इग्नोर, वो भी कुछ इस तरह। फिल्म का नाम है जयंता भाई की लव स्टोरी। हालांकि कुछ दिनों में ये लव स्टोरी सबकी जुबान पर होने वाली है, लेकिन कुछ लव स्टोरी जो बॉलीवुड की लव स्टोरी है जो ऑलरेडी जुबान पर चढ़ चुकी दिल में भी है, तो आप क्या चाहते कि उनकी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए? जैसे सलमान की अकीना हो या सैफ करीना हो, किनकी लव स्टोरी? सैफ और करीना तो शादी कर ही रहे हैं। सलमान के साथ हुए झगड़े के बाद विवेक अपने काम के लिए कम उस झगड़े के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। सलमान तो नहीं पर सलमान से जुड़े सवाल विवेक के पीछे कुछ इस कदर पड़ गए हैं कि हर इवेंट में विवेक से सलमान के बारे में जरूर पूछा जाता है। कभी विवेक सलमान से पंगा ले लेते हैं तो कभी उनके बारे में बात करने से साफ इनकार कर देते हैं। सलमान और कटरीना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनकी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए? आप क्या सर आप नो कमेंट्स, लेट्स स्टिक टू जयंता भाई। वैसे यहां आए विवेक ने अपने से रिलेटेड एक राज भी खोला। क्या आप सबको पता है विवेक ओबेरॉय पहले बस्ती में रहते थे? डोंट गेट कंफ्यूज, विवेक की ये स्टोरी सुन लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी के दौरान मैं गया हुआ था पवाई के तरफ, एक बस्ती है, तो वहाँ पे एक्चुअली जाके मैं रहा था 10-12 दिन। मैंने खोली को भाड़े पे लिया था और वहाँ पे रहा था रिसर्च करने के, तो तब बहुत सारे दोस्त बन गए। आप चाहे अपने रोल्स के लिए कितनी भी एफर्ट्स डाल लीजिए और रिसर्च कर लीजिए, पर लाइमलाइट तो सिर्फ आपको सलमान की वजह से ही मिलेगी। अपनी फिल्म जयंत भाई की लव स्टोरी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर आए विवेक ओबेरॉय अपनी फिल्म के लिए तो कुछ खास बस नहीं क्रिएट कर पाए। हाँ, पर सलमान से जुड़े सवाल ने उन्हें लाइमलाइट जरूर दिलाई। फॉर रुचि शाह, जूम मुंबई। Hi, this is Omar Qureshi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and get fresh Bollywood news and entertainment.